ये बात सच है, अपने सल्लू भाई ने सूरज बनजातिया को कहा कि मैं इन तीनों में से किसी एक का रोल प्ले करना चाहता हूँ। मैं बाल वाइट कर लूंगा, मैं रिंकल्स ला लूंगा मेकअप करके। सूरज सर ने कहा होगा, और एक्टिंग, हेलो सलमान भाई एक्टिंग भी करते थे, आई मीन करते हैं। अभी का रिव्यू हम करेंगे ऊंचाई मूवी के 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के बाद डिसाइड करना क्या ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं। पॉजिटिव नंबर 1, डायरेक्शन। एक बड़ी किताब, उसके ऊपर उससे छोटी, उसके ऊपर सबसे छोटी, मतलब एकदम टिप टॉप सब कुछ। एक एक फ्रेम जैसे कोई ब्रिटिश की टीवी सीरीज या फिर कोई रिच अमेरिकन सीरीज चल रही, और इन सबके ऊपर आता है डायरेक्टर का प्रेजेंटेशन। अगर बाप ने बेटे को पानी लाने के लिए भी बोल दिया ना, और बेटे ने पानी नहीं लाया, उसको भी एकदम ड्रामेटिक तरीके से दिखाएंगे। वो मूवी का एग्जांपल अगर ले तो गाने के अंदर परिणीति चोपड़ा एकदम इजीली एक्सप्लेन कर देती कि एवरेज बेस कैंप पे कैसे चढ़ना है आप लोगों को। गाने का गाना और एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन। पॉजिटिव नंबर 2, कैरेक्टर डेवलपमेंट। चार दोस्त है, चारों में जो सबसे फिट एंड फाइन है वो एक्सपायर हो गया। उसकी आखिरी इच्छा थी एवरेज बेस कैंप पे जाने की, और उसने सारी सेटिंग लगा के रखी है। इन तीनों दोस्तों के साथ एक और कोई सरप्राइज है जो इस एवरेज बेस कैंप पे जाने वाला है, बस उतना ही ट्रेलर में नहीं दिखाया और वही सरप्राइज था। इसके बारे में बात करेंगे नेगेटिव में। मूवी में सभी की स्टोरी को बराबर का टाइम दिया है, तो आपकी इमोशनल फीलिंग्स और भी ज्यादा जुड़ती है उनसे। लेकिन यार बहुत लंबी मूवी, एक मिनट में इसके बारे में बात करेंगे नेगेटिव में। पॉजिटिव नंबर 3, एक्टिंग। हिंदी सिनेमा का एक्टिंग स्कूल है ये मूवी। स्टार्टिंग में अमिताभ सर की एक्टिंग को देखकर लगता है कि वो हीरो है। उसके बाद बोमन सर अपनी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते तो वो लगता है वो हीरो है। उसके बाद सेकंड हाफ में अनुपम सर तो मजा आ गया एकदम, मतलब हर कोई अपनी एक्टिंग का ग्राफ ऊपर लेके जा रहा था। और इन तीनों की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से कोई एक तो आपको अपना फादर जरूर दिखेगा, और तब आपकी आंखों से आंसू आने बंद नहीं होंगे। भाई मैं भूल गया था कि कोई मूवी चल रही है, इतनी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है। लेकिन 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 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर 1, 3 आवर्स लंबी मूवी है। सेकंड हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि अब इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझे और 15-20 मिनट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देखना पड़ेगा। सेकंड हाफ में मैं कई बार गिव अप कर चुका था। सच अगर बताऊं तो यार गलती हमारी ही है, हम 3 घंटा फिजिकली और मेंटली एक चीज पे नहीं टिक सकते। 1 मिनट के शॉर्ट्स और रील ने हमारा टाइम स्पेंड बहुत कम कर दिया। बाय द वे आप मेरे रील्स और शॉर्ट्स देखते हो ना, वीकेंड छोड़ के हर शाम को डालता हूं। बेशर्मी की भी हद होती है भाई। नेगेटिव नंबर 2, ट्रेलर में तो हमको बताया कि एवरेज बेस कैंप चढ़ने वाले हैं, लेकिन वो मूवी का 30-40% ही है। अब दिल्ली से लेकर नेपाल जाने तक ये लोग आगरा जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, और जब तक ट्रैकिंग स्टार्ट होती है आप गिव अप मार चुके होते हो। थैंक्स टू एक्टर्स जिन्होंने हमें पकड़ के रखा है। एंडिंग एकदम टिपिकल बॉलीवुड टाइप की। बेस कैंप तक पहुंचते कि नहीं वो आप मूवी में देखना। देखो यार मूवी हमारे पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ हमारे लिए जी, तो अब ये मूवी उन्हें दिखाकर याद दिलाना पड़ेगा कि बची कुची लाइफ आपको अपने शर्तों पे जीनी है। एटलीस्ट अपने पापा को तो दिखा देना ये मूवी। लाइफ चेंजिंग और फील गुड मूवी है, बस 3 आवर्स का लंबा लेंथ हद से ज्यादा है। हमारी सोच इस रिव्यू पे मैच हुई तो वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। वकांडा का रिव्यू राइट में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।